हेलो एवरीवन। तो यार आईपी यूनिवर्सिटी में आप सभी जितने भी बच्चे यार एडमिशन्स लेना चाह रहे हो, बहुत सारे बच्चे ने यार रजिस्ट्रेशन नहीं किया था आईपीयू के अंडर। जो भी बीटेक वाले बच्चों की अगर मैं बात करूं तो उन लोगों ने यार रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे राउंड वन में। तो क्या अब आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो या नहीं कर सकते, वो कब से कर सकते हो ये भी मैं बताने वाला हूं। और दोबारा से आप लोग चॉइस फिलिंग कब से कर सकते हो, यानी कि कॉलेज की प्रेफरेंसेस कब से भर सकते हो, वो सारी की सारी बात मैं बताने वाला हूं। लेकिन उस सभी से पहले आप सभी को बता देना चाहूंगा यार कि आईपीयू का आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन करोगे, सबसे मेन चीज क्या आती है यार कि चॉइस फिलिंग, ठीक है? क्योंकि एक चॉइस फिलिंग से ही आपका डिसाइड करेगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है और कौन सा नहीं मिलने वाला है। भले ही आपकी अच्छी रैंक हो, मान लो आपकी रैंक 50-60 हज़ार हो, 70 हज़ार रैंक हो, लेकिन आपने अगर चॉइस फिलिंग गलत की है तो आपको यार बेकार वाला कॉलेज मिल जाएगा, अच्छा वाला कॉलेज नहीं मिलेगा। तो वो जो चॉइस फिलिंग है यार, वो आपको कैसे करना है, वो हमने लॉन्च कर रखा है यार ओनली 999 रुपीज़ में काउंसलिंग सपोर्ट, जिसमें कि यार हम आपकी पूरी हेल्प करने वाले हैं। अभी से लेकर के जब तक यार आप कॉलेज में नहीं पहुंच जाते तब तक हम आप पूरी आपकी हेल्प करेंगे। साथ ही साथ आपकी जो चॉइस फिलिंग होगी वो यार हमारी टीम करेगी, यानी कि हम खुद से करेंगे, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कभी भी डाउट आएगा तो आप सब व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो और अर्जेंट होने पे कॉल तक भी कर सकते हो। आप लोग हमसे डायरेक्टली हमें कॉल कर सकते हो। जो भी आप सभी के डाउट्स होंगे यार, ये 999 रुपीज़ में आप सभी का काउंसलिंग सपोर्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर के आप सभी को यार सारी फैसिलिटीज मिल जाएगी। वहां फैसिलिटीज भी दे रखी है। 499 में हम आपकी ज्यादा मदद नहीं करने वाले, हम बस आपको चॉइस फिलिंग सेंड कर देंगे, वही आप अगर खुद से ही आपको करना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी चीजें यार हम खुद करेंगे, फ्रीज करना होगा, फ्लोट करना होगा, वो सब हम समझाएंगे। तो अगर आपको ये है कि आप रजिस्टर करने के बाद जो चॉइस फिलिंग है आप हमसे कराना चाहते हो कि आपकी रैंक पे जो बेस्ट कॉलेज मिल सकता है उसके लिए, तो आप जाकर के लिंक में डिस्क्रिप्शन के जाकर चेक कर लो और जाकर जल्दी से परचेज करो। आप सभी को यार 4 से 5 घंटे के अंदर ही कॉल आ जाएगा, कभी कभार तो 1 घंटे के अंदर ही कॉल कर देते हैं, कभी कभार लेट भी हो जाए तो ये मत समझना कि ये फ्रॉड है या ऐसा कुछ है, ठीक है? तो आप सभी को कॉल आ जाएगा, इसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, तो जाकर के लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लो। अब बात करते हैं कि आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हो, कौन सी वेबसाइट है। यार जो वेबसाइट है वो हमारी यार आईपीयू एडमिशंस वाली वेबसाइट है। उस पर जैसे ही जाओगे उसको स्क्रॉल करने के बाद काउंसलिंग 2021 दिखेगा, उस पर क्लिक करोगे और देन जाकर के आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो अब आपको दिखने वाला है कि नया रजिस्ट्रेशन हमारा आज से ही स्टार्ट हो चुका है, ठीक है? हरीश भैया आपको बता भी रहे थे कि आपका रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा, तो आज से आप सभी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। और रजिस्ट्रेशन आप कैसे करना है अगर आप बोलोगे तो यार हम वो वीडियो भी लेकर के आ जाएंगे कि रजिस्ट्रेशन कैसे पूरा किया जाता है, वो भी हम आप सभी को समझा देंगे अगर ज्यादा बच्चे कमेंट करेंगे तो। वैसे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत ही ईजी है, आप सभी कर सकते हो, मैंने दिखा भी दिया कि कैसे आप जा सकते हो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे। ये रजिस्ट्रेशन यार आप जल्दी से कर लेना, 1-2 दिन 3 दिन के अंदर ही कर लेना, ज्यादा टाइम आपको नहीं मिलने वाला। साथ ही साथ आप सभी का जो चॉइस फिलिंग है वो कब से स्टार्ट होगा, तो जो आप सभी का चॉइस फिलिंग है और रजिस्ट्रेशन किनको करना है ये पहले बता देना चाहूंगा, जिन्होंने अभी तक कुछ भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, ठीक है, काउंसलिंग में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। अब वैसे वाले बच्चे रजिस्टर नहीं करेंगे जो पिछले वाले में थे, उनको सीट नहीं मिली तो दोबारा से इसमें रजिस्टर कर रहे हैं, या सीट मिल गई थी फ्री फ्लोट कर दिया था, 40,000 दे दिए थे, सोच रहे फिर से करना पड़ेगा क्या, तो ऐसा नहीं है, ठीक है? तो आप सभी को रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, जो बच्चे अभी तक भी रजिस्ट्रेशन नहीं किए थे उन्हीं को बस करना है। चॉइस फिलिंग हमारी 23 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी, फिर हम सब खुद आपकी चॉइस फिलिंग करेंगे अगर आप हमारा काउंसलिंग सपोर्ट लेते हो। तो बस यार अभी के लिए यही अपडेट्स हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आ रही थी, कब से होगा, क्या नहीं होगा, किसको देना है, फी पेमेंट और ये सब की कल ही की लास्ट डेट थी। आई होप सबने कर दिया होगा, नहीं कर पाए हो तो एक बार न्यू रजिस्ट्रेशन करके ट्राई मार सकते हो, नहीं तो स्पॉट राउंड में तुम्हें मौका मिलेगा दोबारा से रजिस्ट्रेशन का, ठीक है? तो एक बार ट्राई मार लो, हम भी आपको अपडेट करेंगे कि ये क्या चीज़ें हो सकती हैं। काउंसलिंग सपोर्ट ले लो यार, उसके बाद तुम्हें कोई टेंशन तुम्हारी खत्म हो जाएगी, वो सारी टेंशन हमारे ऊपर हो जाएगी कि हमें तुम्हें अच्छे से अच्छा कॉलेज दिलाना पड़ेगा जो भी तुम्हारी रैंक है उस रैंक पे। तो जाकर एक काउंसलिंग सपोर्ट ले लो, और भी कुछ डाउट्स हो तो यार कमेंट सेक्शन बता देना, इंस्टा पे जाके हमें फॉलो करके पूछ सकते हो तुम्हें जो डाउट्स है। सो बस यार थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।